मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त आज आपसे ये कैना लिली के बारे में बात करूंगी। ये कैना लिली जो है ये समर का एक बहुत अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है। बड़ा हार्डी प्लांट होता है फ्रेंड्स, ये इसको बहुत ज़्यादा केयर की जरूरत नहीं होती है। थोड़ी बहुत एक स्पेशल चीज़ों का ध्यान रखें बस हम, और बाकी इसको बहुत ज़्यादा केयर की जरूरत नहीं होती है। और वैसे ये हमारे यहाँ तो सारा, मतलब इंडिया में ज़्यादातर इलाकों में सारा साल यूँ प्लांट पड़ा रहता है, और ये फूल जो है ये गर्मियों में करता है। और वैसे जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड वगैरह पड़ती है, बर्फ़ वगैरह गिरती हैं या बहुत फ्रॉस्ट होता है, उन जगहों पर ये सर्दी में थोड़ा सा प्लांट इसके पत्ते सूख जाते हैं, जल जाते हैं, लेकिन आमतौर पे ये सर्दियों में भी रहता है। और इसके पत्ते ही कितने खूबसूरत हैं, देखिए फ्लावर नहीं भी खिल रहे हो तो इसके पत्ते बहुत खूबसूरत होते हैं। एक और कैना लिली कई तरह की आती हैं, इनमें बहुत शेड्स के फूल आते हैं, बहुत वैरायटी ऑफ फ्लावर्स आते हैं इनमें। ये फ्लावर्स में अलग अलग तरह के शेड हैं, कोई प्लेन आता है, कोई बहुत वैरायटी होती है। एक मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये रेड है पत्ते इसके, ये देखिए ये मैं अभी लाई थी एक्चुअली, वो वाला और ये वाला दोनों मैं कहीं से गार्डन में से मैं वॉक करने जाती हूँ, वहाँ से माली से लेके आई थी एक एक प्लांट। देखिए इसमें जो है वो अलग तरह के फूल आएंगे और इसकी पत्तियाँ भी रेड हैं। अभी मैंने इसको ला के लगाया है इसलिए ये रिपोर्टिंग शॉक में है, इसमें भी फूल आने लग जाएंगे, थोड़ा सा ये स्टेब्लिश हो जाएगा जब प्लांट। तो ये देखिए इसमें ऐसे फूल आते हैं। और इस प्लांट की खासियत ये है, जब आप इसको लगा देंगे तो ये नीचे से मल्टीप्लाई होता रहता है बहुत जल्दी जल्दी। देखिए मैं ला के लगाए थे मैंने एक दो प्लांट, और कितने प्लांट हो गए हैं इसमें, कितने प्लांट्स हो गए हैं। ये नीचे से देखिए निकलते रहते हैं। इनमें क्या होता है, इसको उगाते हैं अंडरग्राउंड राइजोम्स होते हैं, कहते तो उन्हें बल्ब्स हैं बाजार से आप लेंगे तो, लेकिन वो बल्ब्स नहीं होते, वो राइजोम्स होते हैं। राइजोम्स का मतलब होता है कि अंडरग्राउंड स्टेम, वो एक तरह का स्टेम होता है लेकिन वो अंडरग्राउंड स्टेम होता है जमीन के नीचे, उसके ऊपर छोटी छोटी आईज होती हैं, और उन आईज से जैसे हमारी अदरक होती है उस टाइप से कुछ कुछ, कि उसमें आईज निकलती हैं, उन आईज से ऊपर की तरफ प्लांट निकल आता है और नीचे से जड़े, और देखने में आपको वो बल्ब कह के मिलते हैं वो। उनकी जब उनको लगाएं तो उनकी आईज को थोड़ा ऊपर की तरफ रख के लगाते हैं, और ज़मीन में 2 इंच या 3 इंच नीचे उसको दबा दीजिए, वो ऐसे राइजोम सा होता है, उसमें एक छोटी सी आई दिखती है आपको, स्प्राउट सा दिखता है मुँह सा। मैंने तो ये प्लांट से ही लगाया इसलिए जब मैं उससे लगाऊंगी तो मैं वीडियो भी डाल दूंगी कि कैसे राइजोम इसके लगाए जाते हैं। वैसे बहुत सिंपल होते हैं लगाने, वो उससे इसको उगा देते हैं और ये नीचे से खूब उगता रहता है। तो चलिए अब हम इसकी कंडीशंस की बात कर लेते हैं। जब मिट्टी इसको में जो आप लगाएंगे तो मिट्टी नॉर्मल, जो मैं सभी पॉटिंग मिक्स बनाती हूँ सभी गमलों के लिए, एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा सैंड और एक हिस्सा खाद, इसमें मिला के इसकी मिट्टी आप तैयार करिए। और वेल ड्रेन सॉइल रहे तो अच्छा रहता है, थोड़ी सी वाटर को होल्ड हल्का सा करे, जो ये कॉम्बिनेशन है ये वेल ड्रेन भी होते हैं हल्का सा, जो क्योंकि खाद जो होती है वो मॉइस्चर को थोड़ा सा पकड़ के भी रखती है मिट्टी में, तो ये इसके लिए अच्छा रहता है। और इसके जो मिट्टी है इसको हमेशा गीला रखिए, ये पानी ज़्यादा मांगता है। कैना लिली का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ध्यान रखने की है कि इसको पानी, आप लोग ध्यान याद करें तो पुराने टाइम में जहाँ पर पानी ज़्यादा होता था, कपड़े धोते थे या पानी का नल, उसके पास में ये कैना लिलीज लगा दी जाती थी और यूं ही उगा करती थी ये। तो इसको पानी अच्छा चाहिए होता है, सुबह शाम आप अच्छी तरह इसको पानी दीजिए गर्मी में। और अगर मिट्टी में से पानी उड़ने का डर है तो आप इसकी जो यहाँ नीचे लेयर है यहाँ पर थोड़ी सी मल्चिंग भी कर दीजिए, कोई यहाँ कोने कोने में इसके मेन स्टेम से थोड़ा थोड़ा दूर यहाँ पे कोई सूखी पत्तियाँ वगैरह भी डाल दीजिए, या कोकोनट के जो फाइबर आते हैं, कोकोनट हम खा लेते हैं तो बाहर जो फाइबर होता है उसमें वो डाल दीजिए, इसलिए कि इसकी मिट्टी में मॉइस्चर रहे, मॉइस्चर रहना अच्छा रहता है तो ये फूल अच्छे देता है। और खाद भी इसको फर्टाइल होनी चाहिए, इसके लिए जो सॉइल होती है तो खाद अच्छी दें। जैसे एक बार तो हमने मिला दी खाद, उसके बाद जब तक इसके फूल आ रहे हैं इसको हर महीने, जैसे ये 1 इंच का गमला है तो 1-1.5 मुट्ठी खाद दे दीजिए। वर्मी कंपोस्ट दें तो ज़्यादा अच्छा है, गर्मी में वर्मी कंपोस्ट या पत्ती की खाद जो आती है कंपोस्ट, वो दें 1-1.5 मुट्ठी आप उसको हर महीने दे दीजिए तो वो अच्छी रहती है।
हाँ गोबर की खाद आप अवॉइड करिए गर्मी में, क्योंकि क्या होता है कई बार वो वेल कंपोज्ड अच्छी तरह डिकम्पोज्ड नहीं होती, हमें पता नहीं चलता है, और वो डिकम्पोजिशन उसका जब होने लग जाता है गमले में डाल के, तो फिर वो गर्मी छोड़ती है, उस गर्मी से पौधे का गर्मियों में मरने का डर रहता है। अगर बहुत पुरानी खाद है 2-3-4 साल सड़ी हुई तो वो भी ख़राब नहीं करती, इसीलिए गोबर खाद को गर्मियों में मैं अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि उसका डिकम्पोजिशन कम्प्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो आप डाल दीजिए। और जैसे बाकी सारे पौधों को मैंने कहा है 10-15 दिन में एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत ज़रूरी होता है, अगर आप गार्डनिंग कर रहे हैं तो हर 10-15 दिन में एक बार आप अपने गमलों को लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर दीजिए, कैना लिली नहीं सारे प्लांट्स को दीजिए, उससे आपके प्लांट्स को की हेल्थ अच्छी बनी रहती है। ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र मेरा वीडियो है उस पर, वो बना के आप एक ड्रम में रख लीजिए और उसको देते रहिए अपने प्लांट्स को हर 10-15 दिन में, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। गर्मियों में सर्दी में आप 10 दिन में दे दीजिए, गर्मियों में 15 भी कर सकते हैं, वैसे 10 दिन में भी दीजिए तो वो लिक्विड नुकसान नहीं देता है पौधों को। तो वो आप इसकी खाद की बात हमने कर ली, ऐसे देते रहेंगे तो प्लांट आपका ग्रो करता रहेगा, और धूप इसको पूरी चाहिए, फुल सन में आप रखेंगे तो आपका प्लांट अच्छी तरह से फूल देगा, और फुल सन में नहीं रखेंगे तो फिर ये अच्छी तरह फूल नहीं देगा। और हाँ, जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है, अब जैसे देखिए मेरे ये इस टाइम ग्रीन नेट के नीचे पड़ा है, लेकिन ऐसी जगह पड़ा है कि इसको यहाँ पर खूब धूप रहेगी, 5 घंटे तक की धूप रहेगी इसमें, लेकिन आप देखिए इसमें कंट्रोल्ड आ रही है। ग्रीन नेट का ये मैंने ग्रीन नेट वाली वीडियो में भी बताया है कि ग्रीन नेट जो होता है वो प्लांट्स को बिल्कुल ऑप्टिमम जो है वो धूप देता है, जितनी उनको ज़रूरत होती है उतनी धूप जो है वो ग्रीन नेट प्लांट्स को देता है। तो ये ग्रीन नेट के नीचे रखें, वैसे धूप है लेकिन बीच में ग्रीन नेट है, तो ये इसके लिए बिल्कुल आइडियल है इस टाइम, ये इस सिचुएशंस में देखिए ये फूल भी दे रहा है प्लांट मेरा, और बिल्कुल अगर मैं इसको धूप में रखूंगी तो ये बर्न होने लग जाती हैं, देखिए अभी भी इसकी टिप्स ऐसे हो रही हैं, तो बिल्कुल धूप में पहले पड़ा हुआ था फिर मैंने इसमें रखा है। और हाँ, जैसे मैंने वाटरिंग कहा है, मॉइस्ट रखिए इसकी मिट्टी को, लेकिन सॉगी मत होने दीजिए, अगर आप ओवर वाटरिंग करेंगे तो भी इसकी जो लीव्स हैं वो, जो ये नई लीव्स आ रही हैं ये जो है ये आगे से जल्दी जल्दी होने लग जाएंगी, तो ओवर वाटरिंग में मत करिए जाता है जिससे इसकी जड़ें जो हैं वो गल जाएं। हाँ, लेकिन इसके गमले की मिट्टी को बहुत ज़्यादा सूखने भी मत दीजिए, आप इसको पानी देते रहिए, और मिस्टिंग जो है अपने जितने भी प्लांट हैं आपके उनके लिए मैं बता रही हूँ, गर्मियों में आप दिन में 2 बार या 3 बार भी, अब जैसे मैं दोपहर में 2-3 बजे भी एक बार सारे प्लांट के मिस्टिंग मतलब हल्का हल्का पानी का छिड़काव कर देती हूँ, स्प्रे बॉटल से करिए या पाइप चला के पानी का करिए, तो आपके प्लांट की लाइफ जो है वो बचा रहता है गर्मी में वो। और एक चीज़, अब जैसे इसके जो स्पेंट फ्लावर्स होते हैं, और अगर आपको ज़्यादा देर तक और अच्छे फूल इससे लेने हैं, तो ये देखिए ये फ्लावर कल खिला था, ये स्पेंट हो गया, तो इन स्पेंट फ्लावर्स को आप ऐसे काटते रहिए, ये देखिए स्पेंट फ्लावर को ऐसे आप काटते रहिए, उससे ब्लूमिंग ज़्यादा देर तक और अच्छी होगी। और ये ऐसे जो जो भी फ्लावर जो है वो स्पेंट होता है जाए उसे आप काटते जाइए, और फिर जब ये वाला जो स्टॉक है, ये देखिए ये जो आपको स्टॉक दिख रहा है ये वाला, ये स्टॉक है, जब ये सारे फूल इसमें से खिल चुके हैं, अभी देखिए जैसे इसमें ये वाली ये कली आ रही है, ये देखिए ये कली आ रही है इसमें, और ये फूल खिला हुआ है, हो सकता है और भी कली आ जाए एक दो, तो जब इसकी ये सारी कलियाँ खिल चुके हैं और ये स्टॉक फिर अब पता चल जाएगा कि इसमें अब और नहीं आने वाले हैं फूल, तो फिर आप इस स्टॉक को यहाँ नीचे से काट दीजिए, बिल्कुल नीचे से, ये पत्तियाँ भी ले लीजिए साथ में और इसको यहाँ से काट दीजिए, क्योंकि उसके बाद इसमें फूल नहीं आएंगे, ये पत्तियाँ समेत भले सारे को आप यहाँ से काट दीजिए, उसके बाद ये वाला जो है एक बार आ जाए तो आप इसको यहाँ से काट दीजिए या यहाँ से काट दीजिए या यहाँ से काट दीजिए या यहाँ से भी काट सकते हैं, यहाँ से काट दीजिए, क्योंकि एक बार फूल आने के बाद फिर इसमें फूल नहीं आएंगे, तो इसको काटने से क्या होगा कि ये जो खाना ले रहा है वो वेस्ट नहीं जाएगा, और इसके पास के जो दूसरे राइजोम्स हैं वो उनमें से और स्प्राउटिंग होगी, और जो ये दूसरे वाले हैं इनमें फूल जल्दी आएंगे, तो इसको जब तक इसमें फूल आ रहे हैं ठीक है, उसके बाद इस स्टॉक को नीचे से काट दीजिए, ताकि आसपास के जो प्लांट हैं दूसरे राइजोम्स हैं वो स्प्राउट भी होंगे और उनमें फूल भी जल्दी और अच्छे आएंगे। तो
और फिर वही पेस्ट वगैरह के लिए, अगर कोई भी इसमें इन्फेक्शन होता है या कोई रस्ट होता है, जैसे बीच बीच में ऐसे पैचेस आपको दिखने लग जाए, वो फंगस होने का डर रहता है, फंगस भी हो जाती है कई बार इसमें पानी क्योंकि ज़्यादा दे दें कई बार, या कई बार आप शाम को छिड़काव कर देते हैं, शाम को मत करिएगा सूरज छुपने के बाद, उसके बाद क्या होता है इन पत्तों पर पानी रुक के और इनमें फंगस होने का डर रहता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो अगर हो जाता है आपके प्लांट में तो भी आप, और अगर नहीं है उससे पहले भी, मैंने पहले कहा हुआ है कि आप इन्फेक्शन का, किसी पेस्ट का या फंगस का इंतज़ार मत करिए। आपके प्लांट को आप हर 15-20 दिन में एक बार सारे प्लांट्स को नीम ऑयल का स्प्रे बनाकर एक बार करते रहिए, उससे आपके प्लांट में इन्फेक्शन होगा ही नहीं। और अगर हो भी जाता है तो नीम ऑयल को आप 2-4-5 दिन लगातार, एक दिन छोड़ के या लगातार करते रहिए, क्योंकि देखिए ऑर्गेनिक जो चीज़ें होती हैं उनका असर जो है वो धीरे धीरे होता है। आप सोचें कि एक दिन छिड़काव कर दिया हमने और आपका प्लांट में जो है वो सारा इन्फेक्शन ठीक हो जाए, नीम ऑयल का असर जो है वो होते होते 2-4-5 दिन लगते हैं। इसलिए जब अगर आप नीम ऑयल का छिड़काव कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो उसको लगातार करिए, या ऑल्टरनेट डे करिए, या उसको आप एक दिन छोड़ के एक दिन करते रहिए जब तक कि इन्फेक्शन ठीक नहीं हो जाता प्लांट में। लेकिन मेरा तो मानना ये है कि आप इन्फेक्शन होने ही मत दीजिए, उससे पहले ही कोई भी डिजीज़ प्लांट को लगे उससे पहले आप नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए, क्योंकि ये गर्मी का जो सीज़न होता है ये प्लांट्स में पेस्ट वगैरह फंगस को ज़्यादा ग्रो करने के लिए होता है ये, इसलिए इसमें आप नीम ऑयल का कंटिन्यूस करते रहिए, रेगुलर सॉरी करते रहिए, हर 20 दिन में एक बार या 15 दिन में एक बार। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आपको कैना लिली के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया है। वैसे ये बड़ा कॉमन प्लांट है इंडिया में, हर घर में मिल जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करिएगा जिससे आपको मेरे डेली वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहें। ओके फ्रेंड्स बाय।